नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मर्स विंग चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ। तो किसान साथियों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सब्जी की खेती। जो किसान साथी करते हैं वो ब्लैक थ्रिप्स की समस्या से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और साल दर साल इनकी वजह से जो नुकसान है वो काफ़ी ज़्यादा उनको उठाना पड़ रहा है और काफ़ी दवाइयां जो वो डालते हैं उनका असर नहीं मिल रहा है, उनका रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो आपको ब्लैक थ्रिप्स के ऊपर कौन सा स्प्रे करना है, कौन सी दवाई डालनी है, इसकी हम बात इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं जिससे आपको उनसे छुटकारा मिल सके। कुल मिलाकर बात करें तो ये एक रस चूसने वाला कीट है जिसकी वजह से आपका जो उत्पादन है वो काफ़ी गिर जाता है, क्योंकि इसके आने के बाद जो फूल हैं आपकी फसल से वो झड़ने लगते हैं, जिसके बाद आपके जो फल हैं वो कम संख्या में बनते हैं और आपका उत्पादन घट जाता है। तो इसलिए इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपकी खेती के अंदर, आपकी फसल के अंदर अगर जो थ्रिप्स, ब्लैक थ्रिप्स जो हैं उनकी संख्या अगर कम है, यानी कि जो शुरुआती स्टेज है उनकी, तब आपको कौन सी दवा का उपयोग करना है वो हम बताएंगे। यदि आपके यहाँ खेत में ज़्यादा थ्रिप्स जो हैं वो हो गई हैं तब आपको कौन से स्प्रे करने हैं वो भी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं शुरुआती स्टेज की। जब आपको एक पत्ते के ऊपर 2 से 3 जो हैं थ्रिप्स दिखाई दें तो आप समझ जाइएगा कि आपके अंदर जो शुरुआती जो स्टेज है वो आ चुकी है, और इसके लिए आपको कौन सा स्प्रे करना है वो आप जान लीजिए। आप कर सकते हैं प्रोफेक्स सुपर का इस्तेमाल, जिसके अंदर प्रोफेनो 40%, साइपर 4% इसी फॉर्म के अंदर होता है। इसकी आपको जो है प्रति 15 लीटर पानी की दर के हिसाब से 25 ml डोज लेनी है, या फिर आप रिजेंट का उपयोग कर सकते हैं। ऐसी जो रिजेंट ऐसी आता है, फिप्रोनिल 5% ऐसी फॉर्म के अंदर इसके अंदर होता है, इसकी भी जो डोज है वो प्रति 15 लीटर के साथ 25 ml रहने वाली है। या फिर इसके अलावा बायर के कॉन्फिडोर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिसके अंदर इमिडा क्लोप्रिड 17.8% SL फॉर्म के अंदर होता है, 15 ml इसकी डोज रहेगी प्रति पंप के हिसाब से। या फिर आप जो घरड़ा का पोलिस आता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके अंदर फिप्रोनिल 40% होता है और इमिडा क्लोप्रिड होता है 40% WG फॉर्म के अंदर। तो इनमें से किसी एक का आप उपयोग कर सकते हैं अगर आपकी फसल के अंदर शुरुआती स्टेज में जो ब्लैक थ्रिप्स हैं वो दिखाई दे रही हैं। लेकिन अगर जो आपकी फसल के अंदर थ्रिप्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में हैं, यानी कि एक पत्ते के ऊपर आपको 7 से 8 थ्रिप्स या फिर उससे ज़्यादा दिखाई देती हैं, तो समझ जाइएगा कि आपकी फसल के अंदर जो ब्लैक थ्रिप्स का जो अटैक है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। तो उस समय आपको कौन से स्प्रे करने हैं वो एक बार जान लीजिए। ऐसे समय पर अगर आप किसी एक दवाई का, एक केमिकल का उपयोग करते हैं तो शायद आपके जो पैसे हैं वो बर्बाद चले जाएं, क्योंकि जो थ्रिप्स का जो अटैक है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। तो इसके लिए आपको कॉम्बिनेशन जो है वो यूज करना होगा। कौन कौन से कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं, तो आप ले सकते हैं जो जंप इंसेक्टीसाइड आता है 3 ग्राम, उसके साथ में आपको लेना है कराटे इंसेक्टीसाइड जो आता है 25 ml की डोज रहेगी इसकी। या फिर इसके अलावा आप ले सकते हैं प्रोफेक्स सुपर 25 ml और उसके साथ में आपको घरड़ा पुलिस 10 ग्राम आपको लेना होगा, या फिर इस कॉम्बो का आप उपयोग कर सकते हैं। या फिर आप टोकन जो आता है 10 ग्राम, उसके साथ में आप जो डो डेलीगेट आता है 20 ml उसकी डोज रहेगी। इन दोनों को मिक्स करके भी प्रति पंप के हिसाब से, यानी कि प्रति 15 लीटर पानी के साथ मिलाकर आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी एक कॉम्बो का उपयोग करते हैं, कम्बिनेशन का उपयोग करते हैं, तो आपको जो ब्लैक थ्रिप से जो छुटकारा है वो मिल जाएगा और आपको किसी और दवा को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या फिर कोई और वीडियो आपको नहीं देखनी पड़ेगी और आपके जो पैसे हैं वो बर्बाद नहीं होंगे। तो इस तरीके से आप जो ब्लैक थ्रिप्स है उसको, सब्जी की जितनी भी फसलें हैं हमारे यहाँ, टमाटर की मान लीजिए, भिंडी की मान लीजिए, आलू की मान लीजिए, क्योंकि सब्जी वर्गीय फसलों के अंदर इसका प्रकोप ज़्यादा देखने को मिल रहा है, पिछले कुछ समय से जो शिकायतें हैं वो ज़्यादा आ रही हैं, तो आप आसानी से इसको कंट्रोल कर पाएंगे। बस आपको ध्यान से जो है इनका स्प्रे करना है और जो जिस प्रकार से केमिकल बताए गए हैं, जिसको जिसके साथ मिलाना है, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर सब लिखा हुआ है, आपको इनके साथ ही मिलाना है और इतनी ही डोज आपको लेनी है, तभी जो है रिजल्ट आपको अच्छे मिल पाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय जवान जय किसान।